ये मेरा खाने पीने का सामान रेडी हो गया दोस्तों। इतने बहुत अच्छा मौसम है गाइस, अब मैं बैठ के आप सभी से मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं जहाँ के लिए आई हूँ वहाँ के लिए रेडी हो रही हूँ, और ये कह रही है हमारी भांजी कि यहाँ के लिए भी एक वीडियो बना लीजिए, मतलब रील है, रील की बात कर रही है ना, रील की बात कर रही है। तो चलिए वहाँ चलती हूँ, देखिए वहाँ का मैं शूट कर पाती नहीं क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा है कि भाई मैं जिस काम के लिए आई हूँ तो देखिए वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता, और रील बनाना है ठीक है। अब जा रही हूँ मैं रील बनाने, क्योंकि ऐसा है तो ठीक, चलो फिर चलती हूँ। एक मोबाइल कहाँ रखें ना बेटा, मस्ती से जा रहे हैं हम लोग चेक करने। बहुत अच्छा मौसम है, एकदम मौसम चेंज हो गया है फ्रेंड्स। मैं और मेरी ननद रानी देखिए वाराणसी में शाम का नज़ारा लेते हुए चल रही हूँ रोड पे, और आप सबको दिखा दूँ देखिए कितना जगह जगह जाम लगा हुआ है, अभी तो खुल गया है, इतना कंफ्यूज है इसलिए खुल गया जा रहा है, रास्ता पूछा जा रहा है। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं, और ये देखिए मेरी सब्सक्राइबर मिल गई, और मुझे देख किसने पहचान लिया, मैं यहाँ आई थी मामा जी का तेरे ही का कार्यक्रम था, और ये सब लोग मेरे वीडियो को ब्लॉग को देखते, और ये मामा जी हैं, तो मामा जी को एक बार फिर से सत सत नमन। A few moments later. मैं पहुंच चुकी हूँ घर, और किसी रिश्तेदार का घर है तो ज़्यादा कुछ यहाँ दिखाने वाली नहीं हूँ, दिखाई दिया जितना दिखाना था, लाइट गई क्या। और मैं अपने हस्बैंड जी का पैर दिखाती हूँ, देखिए ये देखिए पूरा ये फ्रैक्चर हो गया, the next day. फ्रेंड्स रात में कितनी बारिश हुई वहाँ पे, गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही अभी, सुबह सुबह का टाइम है, इस समय बज रहा है 6:30, 6:30, जस्ट अभी सो के उठी हूँ क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, बारिश फिर से शुरू हो गई भैया, और मुझे निकलना भी है, देखिए बहुत बारिश हो रही है, देखिए मैंने क्या पहना। फ्रेंड्स मैं यहाँ बैठी हूँ ब्लैक टी के लिए कमरे में, तो फ्रेंड्स आप सबने देखा मैं आई थी मामा की, इनके मामा की तेरा ही थी, उन्हीं के कार्यक्रम में आई थी, और मैं एक दिन के लिए आई थी, और मैं कपड़े भी लेके नहीं आई हूँ, एक पहन के आई थी, एक लेके आई थी, तो जो मैं पहनी हूँ उनके यहाँ पहन लिया, अब उसी को पहन के निकलूँगी, अब लखनऊ ही पहुँच के रिलैक्स होंगी मैं, और यार अपने घर पे ही आराम मिलता है। अभी मैंने सोचा आप सबसे थोड़ी बातें कर लूं फ्रेंड्स, अभी मैं चार्जर यहाँ, अभी मैं जो है थोड़ा रिलैक्स लेती हूँ क्योंकि मेरा प्रोग्राम चेंज हो गया, पहले था बॉन्डिंग का टिकट मिलने वाला था, वो मिला नहीं टिकट, तो दोपहर का हो गया है, और ये देखिए मैंने किसी के टी शर्ट किसी के लोअर पहन लिए यहाँ पे, क्योंकि कुछ कपड़े लेके आई नहीं थी, एक पहन के आई थी एक लेके आई थी, कि मुझे था सुबह ही निकलना है तो मैं वही पहन के निकल जाती, और कल भी मैं सो नहीं पाई थी कायदे से, सुबह उठ गई थी आज भी, तो मुझे लगा मैं उठ पाऊँ कि ना उठ पाऊँ उतने जल्दी, तो क्या हो पाएगा नहीं इस वजह से, और मैं बस अब उसी को पहन के निकलूंगी, अभी आप सबको दिखाती हूँ ट्रेन, ट्रेन ट्रेन में बहुत मस्त मजा आता है बैठ के आने में, इस बार मैंने फुल इंजॉय किया अपनी, मेरी जर्नी सच में हैप्पी रही, और मैं ट्रेन से ही जाऊंगी फिर, और आप सबको मिलती हूँ, देखिए कहाँ मिलती हूँ, क्योंकि अभी ट्रेन में जाऊंगी वहां भी दिखाऊंगी आपको, फिर मिलूंगी लखनऊ में। तो ये चाय मेरी यहाँ की आखिरी है, ना कि जिंदगी की, सब्सक्राइब हाँ करें करें, पड़ी हूँ
खाने पीने का सामान छूट जाए भाई खाने के चक्कर में। दोस्तों इतने जद्दोजहद के बाद पहुंच गई हूँ और बहुत ज्यादा भीड़ दिखी और पूरे रास्ते भर जाम लगा था। आप सब अगर बनारस आते हैं तो पहले से निकले नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। ये देखिए बैठने के बाद आप सबसे मिलूंगी, बाल पूरा बिगड़ गया है। लगे गाइस अब मैं बैठ के आप सभी से मिलती हूँ। हेलो इंक्वायरी इंक्वायरी है ट्रेन हमारी पूरी रफ्तार में चल रही है। मैं आप सबको अब मिलूंगी लखनऊ में। हम लखनऊ रेलवे स्टेशन पे बच्चे लेने आए हैं, लेने आया और दोनों शर्मा रहे हैं। मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। चावल साफ करके रख लिया है आते ही, क्योंकि जानते हैं घर में खाना बनाना है, मुझे ही बनाना है। चेंज भी कर लिया है, चेंज करने के साथ साथ सारे धुलने वाले कपड़े उधर रख दिया है और ये देखिए अपना पर्स वगैरह खाली करके यहाँ रख दिया है कि सबको मैं साफ करूँगी, पानी से पोछूंगी। ओ गिर गया तो इनको धुलूंगी और कपड़े सब किनारे डाल दिया है कि सुबह मशीन में लगाऊंगी। और चावल साफ ही कर लिया, आप सबको दिखाया है और ये आ चुकी है पनीर। इसी के साथ अपने ब्लॉग का करूंगी एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। बाय बाय।